इसे नेताओं की दबंगई कहिए या फिर बिहार में सुशासन। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जेडीयू के नेता का दबंगई देखिए, जिसमें सत्ता के नशे में चूर होकर न सिर्फ 3 युवकों को बुरी तरह से पीटा बल्कि पीड़ितों में से 2 लोगों के नाखून तक उखाड़ डाले। मामले में फिलहाल जेडीयू के नेता गजनफर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल में भेजे जाने की कवायद को लेकर जुट गई है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के नेता मोहम्मद गजनफर हुसैन ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 3 लोगों को रॉड से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया और अपनी बेरहमी को इतना तक ही नहीं सीमित रहने दिया बल्कि 2 पीड़ित लोगों के हाथ के नाखून तक उखाड़ दिए। यही बताया गया है। पीड़ितों ने बताया कि औराई थाना क्षेत्र में ही पार्टनरशिप में शिफा हॉस्पिटल चलाया जा रहा था, जिसमें एक पार्टनर विकास था और दूसरा जदयू नेता गजनफर हुसैन था। दोनों ही पार्टनरशिप में इस हॉस्पिटल को चला रहे थे, लेकिन कई महीनों से हिसाब को लेकर विकास और गजनफर हुसैन के बीच विवाद चल रहा था। विवाद को सुलझाने को लेकर विकास और आई शिफा हॉस्पिटल पहुंचा और उसी दौरान पहले से ही जदयू नेता ने हमले की पूरी तैयारी कर ली थी और अस्पताल पहुंचते ही विकास, उसके भाई और कर्मचारी पर हमला कर दिया। एक बंद कमरे में तीनों को बुरी तरह से पहले पीटा, उसके बाद उन दोनों की नाखून उखाड़ डाली। यही नहीं बल्कि साक्ष्य को छिपाने के लिए नेताजी ने इस पिटाई से पहले सीसीटीवी को बंद कर दिया। वहीं दूसरे घायल ने अपने हाथ का नाखून को दिखाते हुए बताया कि सभी ने मिलकर एक पिलास से उसका नाखून उखाड़ लिया, जिसके बाद भी हमला करते रहे। पूरे प्रकरण पर जेडीयू नेता के साथ में निजी अस्पताल चला रहे पार्टनर विकास ने बताया कि लॉकडाउन में अस्पताल कम ही जाता है और अचानक यहां अस्पताल पहुंचने पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। जेल जाने के क्रम में जब खुद को निर्दोष बताते हुए इस घटना से इनकार कर दिया। इस मामले में औराई थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेडीयू नेता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरे प्रकरण पर डीएसपी ईस्ट मनोज पांडे ने बताया कि मामला पैसे के पूर्व लेन देन के साथ मारपीट का है और इसको लेकर विभिन्न धारा के तहत कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेजा जा रहा है। जेडीयू में किस पद पे हैं आप?